नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसका पहला चैप्टर। ये गद्य का आपका ये चैप्टर है। ओके, इसके पहले पोएट्री के चैप्टर्स मैंने कुछ डिस्कस किए हैं, तो आप अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उनको देखें, ठीक है। और ये है गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत, ठीक है। बातचीत चैप्टर जो है लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा, ठीक है ना। बातचीत मतलब वही नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेखक के बारे में, और फिर इस चैप्टर का देखेंगे एक शॉर्ट समरी, जिसको इस लिहाज से लिखा गया है कि आप उसको एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जन्म इनका हुआ था लेखक का 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है। और निधन इनका, मतलब इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनका निधन कब हो गया था, तो वो हो गया था भाई 20 जुलाई 1914 में, ठीक है। इनका निवास स्थान कहाँ पे है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है वहीं के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, यूपी के। और आधुनिक काल के ये समझिए कि ये साहित्यकार हैं। किस काल के, अलग अलग कालों में बांटा गया है हिंदी को, आदिकाल, भक्ति काल, तो ये किस काल के हैं, आधुनिक काल के। और फिर आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है। क्या होता है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, ये हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का एक और बुक है उसमें हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है। आगे कुछ चीजें आपके बुक में लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे माता पिता का नाम जो है, माता का नाम पार्वती देवी है, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, पिताजी एक व्यापारी थे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। माँ एक सुसंस्कृत महिला थी, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, आप वहां से पढ़िए। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी इन्होंने लिखी, ठीक है। इनकी रचना अगर उपन्यास में देखें, देखो रचना इन्होंने बहुत सारी की हुई है। इसका रीजन ये रहा है कि जब पिताजी का निधन हो गया तो फिर जो पैतृक व्यापार था इनका, उसमें जो है पैतृक व्यापार ये संभाले, ठीक है। पिताजी का जो व्यापार था, जो कामकाज था, उसको इन्होंने संभाला, लेकिन घर में बहुत सारी कलह थी जिसके चलते जो है इन्होंने वो काम छोड़ दिया। नौकरी में भी गए लेकिन कुछ उग्र स्वभाव था इनका, इसके चलते जो है नौकरी भी छूट गई, और उसके बाद ये लेखन में ही ये लगे रहे, लिखते रहे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। तो इनको मतलब एकदम लगभग बहुत सारे समय तक, बहुत वर्षों तक इन्होंने लेखन कार्य किया है, इसके चलते रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ प्रमुख रचनाएं आपके सामने हम लेके आए हैं। तो उपन्यास, इन सब का नाम आपके बुक में दिया गया है। ये उपन्यास कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ठीक है। ये सब कुछ इनका उपन्यास है। इसी तरीके से इनका नाटक है पद्मावती, किरातर जुनिये, वेनी, संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, या फिर इसी को दमयंती स्वयंवर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दमयंती स्वयंवर या फिर नल दमयंती किसकी रचना है। शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, आप इसको पढ़ सकते हैं। पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहन्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत रचना है इनकी। भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकेट, और फिर रेल का विकेट खेल, और फिर बाल विवाह, ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं। और प्रहसन, प्रहसन कौन कौन से लिखे इन्होंने, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, और आचार विडंबन जैसे बहुत सारे प्रहसन भी इन्होंने लिखे हैं। रचनाएं भरपूर हैं, 1000 से ज्यादा इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। इनकी एक किताब है, एक संग्रह है बुकों, ये निबंधों का, जिसको कहते हैं भट्ट निबंध माला, ठीक है ना। ये दो भागों में है, ये भट्ट निबंध माला और ये निबंध का संग्रह है। तो इस तरीके से
ये ऐसे निबंधकार, और आपने देखा उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो है मासिक पत्रिकाओं का जो है ये निकाले भी थे, मासिक पत्रिका। आलोचक भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। इन्होंने आलोचना भी की थी, एक था संयोगिता स्वयंवर, उसका आलोचना किया था इन्होंने। लाला श्रीनिवास दास की ये जो है रचना थी संयोगिता स्वयंवर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए अपने सारांश की तरफ, समरी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा समरी मैंने आपके लिए लिखा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो बातचीत जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक निबंध है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बातचीत क्या है, कहानी है, निबंध है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध, ये जो निबंध है ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध, आई नो कि प्रसिद्ध जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये भी सही है, थोड़ा सा ये टाइप करने में इसी टाइप का टाइपिंग होता है, जैसे आप द्वारा लिखोगे तो ये, और ये टाइप करने का ये प्रॉब्लम है, तो इसको आप समझ लेना। बातचीत शीर्षक निबंध जो है ये आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध निबंधकार, कौन निबंधकार है, बालकृष्ण भट्ट, इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और इसमें किस चीज की बात की गई है, इसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। कहने का मतलब कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं ना कि हम लोगों के पास क्या है, वाक शक्ति है। वाक शक्ति का क्या मतलब होता है, वाक मतलब होता है बोलना। तो मनुष्यों के पास बोलने की एक शक्ति है, ठीक है ना, और ये ईश्वर का एक अनोखा वरदान है। इन्होंने कहा है कि आप सोचिए जरा, एक ऐसे दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पे लोगों के पास सभी इंद्रियां हो। सभी इंद्री कहने का मतलब कि इंद्रियां कौन कौन होती हैं, ज्ञानेंद्रियां वो होती हैं जिनसे हमें ज्ञानों का अनुभव होता है, ठीक है ना। जैसे कि आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है ना, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सेंस होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये पांच जो है बड़े ही फेमस सेंस हैं, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। तो वाक शक्ति जो है, वाक शक्ति, अगर सोचो कि आपके पास सब कुछ है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, एवरीथिंग, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर इसमें से एक चीज छीन ली जाए, अगर आपके बोलने की शक्ति को छीन लिया जाए तो फिर क्या होगा। लेखक कहते हैं कि अगर बोलने की शक्ति को छीन लिया जाए ना हमसे, तो कहते हैं कि ये आप ही कल्पना करेगी क्या होगा, क्योंकि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो दुनिया एक जो गूंगी दुनिया हो जाएगी, सृष्टि जो गूंगी हो जाएगी, उसका भाई उसका क्या हाल होगा, ये इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। ये आप कल्पना कीजिए कि तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, दुनिया कैसी होगी, ठीक है ना। सारे लोग जो है क्या करते, सुख दुख का अनुभव करते, लेकिन बोलने की कला नहीं होती तो क्या होता, हम लोग अपने जो है सुख दुख किसी को बता नहीं पाते। कोई सुख है, कोई दुख है, वो हम लोग बात नहीं कर पाते। अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता, जरा देखो बातचीत में क्या होता है। लेखक कहते हैं, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। सोचो कि जब आप दो लोगों से बातचीत कर रहे हो, या तीन लोगों से, या चार लोगों से, या एक मीटिंग ही चल रही हो, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप एक बातचीत कर रहे हो, मीटिंग होगा तो वहां तो आप स्पीच दोगे, भाषण दोगे एक तरीके से, और भाषण जब आप दोगे तो वहां पे जो है क्या होगा, नाच नखड़ा होगा। लेखक कहते हैं कि जब कोई भाषण शुरू करता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन, साहबान, मजलिस, ऐसे करके भाषण जब लोग शुरू करते हैं तो क्या होगा, लेखक कहते हैं कि ये एक नाज नखड़ा है। और जब आप किसी से बातचीत करोगे तो वहां पे ये इसका तो मौका ही नहीं दिया जाता है, आपको जो है ऐसे नखड़ा दिखाने का कोई मौका नहीं होता है, डायरेक्ट आप पॉइंट पे आओ, ठीक है ना। हाँ, ये अलग चीज है कि आप उसमें मौका निकाल लो, ठीक है ना, ये अलग चीज है। और उसी में आप, लेखक कहते हैं कि उसी में जो है आप, जैसे भाषण में होता है कि थोड़ा सा एक कोई ऐसा पॉइंट आया कि पूरा रूम जो है, पूरे लोग जो है एकदम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, ताली बजाने लगते हैं, लेकिन बातचीत में ये इस चीज की कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी में, अगर जिंदगी को मजेदार बनाना है तो खाना पीना चलना फिरना ये सारी चीजें जरूरी है। जिंदगी मजेदार कब होगी, जब एकदम शौक आराम से हम लोग खाएंगे, जो कुछ भी मन है पिएंगे, चलेंगे, घूमेंगे जहां तहां, तब जिंदगी जो है
मजेदार होगी। लेकिन जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए ये सारी चीजें तो चाहिए, खाना पीना चलना फिरना ये तो चाहिए, लेकिन इसके अलावे एक और चीज चाहिए, वो है बातचीत। अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे ना, तो फिर लगेगा कि जिंदगी थोड़ी सी अधूरी है, ठीक है। और जब आप किसी से बातचीत करते हो तो जानते हो क्या होता है, लेखक कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेखक कहते हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो चित्त है ना, जो हमारा मन है, वो हल्का हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। जितना भीतर जितना मवाद होता है, जितना सब भरा हुआ होता है हमारे भीतर, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जो भी हमारे हृदय में जमा होता है वो सब कुछ जो हम निकाल देते हैं, सब भाप बन के उड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि सारी चीजें भाप बन के उड़ जाती हैं। तो आप इस चैप्टर को एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना भाई, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि हमारे भीतर से सब कुछ जो एकदम भाप बन के उड़ जाता है जब हम किसी से बातचीत करते हैं। और भाई बातचीत नहीं करोगे तो भीतर ही भीतर लगता है एक बोझ बना हुआ है सब कुछ, ठीक है। यहां पे लेखक ने एक एग्जाम्पल भी लिया है बेन जॉनसन का। वे कहते हैं कि बेन जॉनसन जो है, उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखो, एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा बोलता है और एक इंसान है जो बोलता ही नहीं है। क्या होगा, जो नहीं बोलता है उसके बारे में आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि वो क्या है, उसमें कौन सी क्वालिटी है, उसमें कौन सी खराबी है, ये आप पता ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके गुण दोष का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कोई इंसान जब बोलेगा तभी पता चलेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या खराबी है। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य का रूप कैसा है उसके बारे में पता चलता है कब, जब कोई मनुष्य बोलता है, ओके ना। इस चीज को याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसने कहा था ये कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। आगे जो है लेखक बताते हैं, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। लेखक जो है इसमें बताते हैं कि बातचीत भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एडिसन नाम के एक व्यक्ति हैं, वो मानते हैं, एडिसन मानते हैं कि अगर बातचीत दो लोगों में हो तो वही असल बातचीत होती है। मतलब जब हम लोग दो लोग बातचीत करते हैं तो फिर क्या होता है, हम लोग तब जो है अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल देते हैं। कहने का मतलब जो हमारे भीतर होता है हम उसको बता देते हैं, जो उसके भीतर होता है वो हमको बता देता है। तो दो लोगों की बातचीत जो होती है एकदम क्लियर कट बातचीत होती है, ठीक है ना। लेकिन बातचीत अगर तीन लोगों के बीच में हो जाए तो ऐसा लगता है कोई त्रिकोण बन गया है, जैसे लगता है कि तीनों का मन जो है वो त्रिभुज के तीनों कोण है, ठीक है ना। और लगता है कि तीनों का जो मनोवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, वो त्रिभुज की तीन रेखाएं हैं, ठीक है। बातचीत अगर चार लोगों में हो जाए भाई तो फिर वो बातचीत नहीं होती है, है ना। बातचीत अगर चार लोगों में हो जाए तो लेखक कहते हैं कि ये तो बस फॉर्मेलिटी है कि बातचीत हो रही है। और अगर लेखक जो है कहते हैं कि अगर बातचीत चार से ज्यादा लोगों में हो तो फिर वो तो बात ही खत्म हो गई, वहां बातचीत वाली कोई चीज ही नहीं होती है, वो समझ लो राम रमोवल है, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मतलब लेखक कहते हैं कि भाई दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो डैट इज की वो एकदम ठीक ठाक बातचीत हो रही है, वहां सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन उसके बाद आगे की बातचीत, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो वहां फॉर्मेलिटी रह जाती है, बस बातचीत नहीं होता है। ऐसे ही लेखक ने उम्र को भी लेके बताया है, मैंने ज्यादा नहीं लिया है कि समरी आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। लेखक ने बताया कि दो लोग मिलते हैं तो कैसे बातचीत होते हैं, दो अगर पढ़े लिखे लोग मिल जाए भाई तो एकदम शेक्सपियर की बातें हो जाएंगी, मिल्टन की बातें हो जाएंगी, पढ़े लिखे लोगों की बात पढ़े लिखे जैसी होगी। और वहीं कहीं दो बूढ़े इंसान मिल जाए तो अपने दादा ये आदम जो का जो जमाना है, बाबा आदम का, उस समय जमाने की बात करने लगते हैं, हमारे जमाने में ये था वो था ये, ऐसे लेखक ने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वही लेखक कहते हैं कि अगर दो बुढ़िया मिल जाए, अगर बातचीत करने लगे तो फिर क्या होगा, वो उन लोगों की बातचीत होती है बहू बेटी वाली, मेरी बहू ये वो नौ सत्रह, है ना भाई, ये सब चीजें होती हैं, ओके। वैसे ही लेखक कहते हैं कि अगर दो लड़के बातचीत करने लगे, वो अगर वो खिलाड़ी हैं तो फिर वो जो है एकदम तारीफ करेंगे अपनी, मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, ठीक है। तो ये चीजें सब बातचीत के ये प्रकार हैं। और अगर दो अशिक्षित लोग बात करें, बिना पढ़े लिखे लोग बात करें, मतलब इलिटरेट लोग बात करें, तो वैसी स्थिति में क्या होगी, वो बातचीत नहीं वो बतकही होती है, ठीक है ना। लेखक ने लिखा है कि वो बातचीत नहीं है वो बतकही है, ठीक है।
और वैसे ही लेखक लिखते हैं कि अगर चंडू खाने में बातचीत हो, चंडू खाना का मतलब होता है कि अफीम खाने वाले लोगों की जो मंडली होती है, जहां पे वो लोग बैठते हैं एक जगह, ठीक है, जो एकदम सुरक्षित स्थान होता है उसको चंडू खाना कहते हैं। तो वहां पे बातचीत जो है वो बड़ी रसीली होती है, निराली होती है, ठीक है ना। इसके बाद लेखक कहते हैं कि भाई अगर बातचीत का जो रियल मतलब है, अगर वो कोई जानता है, तो वो हुनर जो है वो यूरोप के लोगों में है, ठीक है। और इस हुनर को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। किस हुनर को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? यूरोप के लोगों में जो हुनर है बातचीत करने का, कैसा हुनर? वो लोग ऐसे बातचीत करते हैं, उनका ऐसा प्रसंग होता है कि उसको जब आप सुनोगे ना, तो उसको सुन के आपको एकदम सुकून मिलेगा, ठीक है। ऐसी बातचीत होती है और इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोला जाता है, या फिर इसको सुहृद गोष्ठी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है या सुहृद, ये सुहृद गोष्ठी क्या है, तो फिर आप यहां से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में बालकृष्ण भट्ट जो हमारे निबंधकार है वो कहते हैं कि बातचीत तो ठीक है, अलग अलग प्रकार की बातचीत आपने पता कि बूढ़े लोग कैसे बातचीत करते हैं, दो पढ़े लिखे लोग कैसे बातचीत करते हैं, दो इलिटरेट पर्सन्स कैसे बातचीत करते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार रियल में बातचीत वो है जब हम अपने आप से बातचीत कर लें, और ये बातचीत का बड़ा ही उत्तम सा तरीका है, लेकिन ये करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर आप जो है इस तरीके की बातचीत करने लगे जिसमें आप अपने आप को बातचीत करें, अपने आप से बातचीत करें, तो ये शक्ति अगर किसी में आ गई भाई, तो ये एक उत्तम तरीका है। इस तरीके से लेखक ने इसमें बातचीत पे फोकस किया, इस चैप्टर पे, जैसा कि नाम है चैप्टर का। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे हम वीडियोस के लिंक और भी बहुत कुछ, PDF मॉडल सेट, ये सारे जो है प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।